अब तक हमारे लिए कई तरह की वैक्सीन आ चुकी हैं और इस सीरीज में एक और नई तरह की वैक्सीन शामिल होने जा रही है। ये है इनहेल्ड यानी सांस के जरिए ली जाने वाली वैक्सीन। तो जानते हैं क्या है आखिर कोरोना की इनहेल्ड वैक्सीन और ये कितनी कारगर रहेगी। इनहेल्ड वैक्सीन को कनाडा के मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया है। इस वैक्सीन को सांस के जरिए दिया जाएगा। इसे एरोसोल वैक्सीन भी कहा जा रहा है। अब जानते हैं ये काम कैसे करती है। इनहेल्ड वैक्सीन फेफड़ों और अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन को टारगेट करती है। ये बात तो साफ है कि वायरस रेस्पिरेटरी ऑर्गन के जरिए सबसे पहले शरीर में एंटर करता है। वहीं रिसर्चर्स का दावा है कि इनहेल्ड वैक्सीन के फेफड़ों को टारगेट करने की वजह से ही ये प्रभावशाली है और मौजूदा वैक्सीन की तुलना में इम्यून रिस्पॉन्स जल्दी तैयार करता है। अब जानते हैं इनहेल्ड वैक्सीन बाकी वैक्सीन की तुलना में क्यों ज़्यादा असरदार मानी जा रही है। इसकी वजह है कि इनहेल्ड वैक्सीन को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये स्पाइक प्रोटीन समेत कोरोना वायरस के तीन हिस्सों को टारगेट करती है। इनमें दो हिस्से बहुत ही संरक्षित होते हैं और स्पाइक प्रोटीन जितने जल्दी म्यूटेट नहीं होते हैं। वहीं कोरोना की बाकी वैक्सीन केवल वायरस के स्पाइक प्रोटीन को ही टारगेट करती हैं जो कि तेज़ी से म्यूटेट करता है। यही वजह है कि इनहेल्ड वैक्सीन वायरस से एक कदम आगे रह सकती है। स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करने की वजह से मौजूदा वैक्सीन को समय समय पर अपडेट करते रहने की जरूरत पड़ी है, जबकि इनहेल्ड वैक्सीन के मामले में ऐसा नहीं होगा। रिसर्चर्स के मुताबिक इनहेल्ड वैक्सीन में दवा की बहुत कम डोज की जरूरत पड़ती है। इसमें मौजूदा निडल वैक्सीन के डोज का 1% काफ़ी होगा। कोरोना की पहली इनहेल्ड वैक्सीन चीन ने नवंबर 2021 में लॉन्च की थी और माना जा रहा है ये कोरोना के हर वेरिएंट के खिलाफ कारगर हो सकती है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।